उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदगी का शिकार हुई देश की बेटी मनीषा को न्याय दिलाने और उसकी हत्या करने वाले शैतानों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने के लिए हिंदू सेना रक्षा दल रोहतक ने छोटू राम चौक से लेकर दिल्ली बाईपास रोहतक तक कैंडल मार्च किया। साथ ही बुलंद आवाज में मनीषा बहन के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए, जिसका रास्ते में मौजूद सभी व्यापारियों और दुकानदारों ने समर्थन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष नीरज कौशिक ने सरकार से हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नरेश कमल ने कहा कि मनीषा बहन सिर्फ हाथरस की बेटी नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी है और उसे न्याय दिलाने के लिए हिंदू सेना रक्षा दल किसी भी स्तर पर जा सकता है। वहीं महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुखदा और उपाध्यक्ष कमलेश ने कहा कि देश में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों पर लगातार क्रूरता के मामले आ रहे हैं, जिससे महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उन्होंने पुरुष समाज से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निवेदन किया। मनीषा बहन को न्याय दो। मनीषा बहन के हत्या रोको।